क्वेश्चन 1.9 है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, यहाँ क्लोरीन के टू आइसोटॉप्स के डेटा दे रखे हैं जिनमें परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस गिवन है और उनके मोलर मास गिवन है। किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन एबंडेंस मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास। जितने भी आइसोटोप हैं उनके लिए ये मल्टीप्लाई करें और उन सभी का सम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। इस केस में हमारे पास टू एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इनके फ्रैक्शन एवर्डेंस की बात करें तो ये तो दे रखे हैं परसेंटेज एवर्डेंस, तो फ्रैक्शन एवर्डेंस निकालना है तो डिवाइड बाई कर देंगे 100, तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन एवर्डेंस आएगा वो आएगा 0.7577 और इस क्लोरीन 37 का फ्रैक्शन एवर्डेंस आएगा 0.2423। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोरीन 35 के लिए देखते हैं, क्लोरीन 35 के लिए फ्रैक्शन एवर्डेंस है 0.7577 मल्टीप्लाई बाई इसका जो मोलर मास गिवन है वो है 34.9689, एग्जैक्टली ये नंबर आ गया। दूसरा जो डेटा है ये हमने क्लोरीन 35 के लिए लिखा, इसी तरह से क्लोरीन 37 के लिए फ्रैक्शन एवर्डेंस है 0.2423 मल्टीप्लाई बाई इसका एटॉमिक मास दे रखा है 36.9659। इस डेटा को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 35.5, तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा 35.5।